नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूजिक सीरीज। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं सबवूफर के बारे में सब कुछ आप लोगों को समझाने वाला हूं। ये वीडियो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर है जिसके अंदर मैं आप लोगों को कॉयल के बारे में बताऊँगा। ये मेरे पास दो सबवूफर की कॉयल रखी हुई है, स्पाइडर जो है स्पाइडर है पड़ी है मेरे पास, ठीक है। ये और एक स्पाइडर और है यहाँ पे, ये स्पाइडर है, ये स्पाइडर है, ये सबवूफर है। आपको प्रॉपर सबवूफर के बारे में मैंने आज तक शायद वीडियो नहीं बनाई, इस चीज़ के बारे में प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। वैसे समझाया मैंने हुआ है आप लोगों को, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को समझाया, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें बताऊँगा कि क्या चीज़ें महंगी होती हैं और क्या चीज़ें सस्ती होती हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा सा सोच के कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। और प्लीज़ कुछ चीज़ें मैं ऐसी बोलूँगा उसके अंदर उन चीज़ों का बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी वजह से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी अगर बिजनेसमैन है तो वो कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को लेके आता है, ठीक है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो चीज़ों को लेके आता है। अगर जो आप लोग सस्ता सामान मांग रहे हो तो आप लोगों को सस्ता मिलेगा, अगर जो आप लोग महंगा मांग रहे हो तो महंगा तो फिर वो मिलेगा ही नहीं ना आपको। जब बिजनेसमैन है जो इन सब चीज़ों में डील करता है, वो महंगा सामान क्यों लेके आएगा जब आप लोग मांग ही सस्ता रहे हो। तो आज की जो पूरी वीडियो होगी वो इसी चीज़ के बारे में होगी। मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मैग्नेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। तो ये हमारे पास दो टाइप की मैग्नेट पड़ी हुई हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को भी पता लगे क्या चीज़ सस्ती होती है और क्या चीज़ महंगी होती है और क्यों ये सब होता है। तो जैसे कि आप लोगों को ये मैग्नेट थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही होगी इसकी मैग्नेट से, और अगर जो हम दोनों की बात करें तो हम इन दोनों के साइज़ की अगर जो बात करें तो दिखने में ये मैग्नेट बड़ी है, ठीक है, और ये मैग्नेट छोटी है थोड़ी सी। इससे मैं प्रॉपर आपको ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा कि आपको प्रॉपर मैग्नेट के साइज़ या मैग्नेट के ग्रेड ये सब बता के आपको कंफ्यूज करूं, तो ऐसा बताने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। मैं आप लोगों को नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस मैग्नेट का जो एक आइडिया दे रहा हूं, आइडिया भी नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि मान लो ये मैग्नेट हमारी आती है 700 रुपये की पेयर, ठीक है, और ये मैग्नेट आती है हमारी 400 रुपये की पेयर, ठीक है, और जबकि 400 रुपये वाली मैग्नेट बड़ी है इससे, तो आपके हिसाब से तो ये मैग्नेट ज़्यादा पावर निकालेगी। नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ मैग्नेट बड़ी है तो वो पावर ज़्यादा निकालेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर जो हम बात करें तो जो चीज़ बड़ी है वो चीज़ ज़्यादा पावर की होती है, आपको ये सब लगता होगा इसके अंदर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैग्नेट अगर जो 700 रुपये की है और ये 400 रुपये की है, तो ये मैग्नेट जो ये वाली मैग्नेट है इस मैग्नेट से ज़्यादा पावर ये निकालेगी, क्योंकि इस मैग्नेट का ग्रेड इस मैग्नेट से ज़्यादा है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैग्नेट ज़्यादा ग्रेड की है, ये मैग्नेट कम ग्रेड की है, लेकिन बड़ी भी है फिर भी ये इसके बराबर नहीं जा सकती। ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली मैग्नेट इसके बराबर नहीं जा सकती क्योंकि इस मैग्नेट का ग्रेड कम है, इसलिए ये वाली मैग्नेट सस्ती होती है। आप लोग पूछते हो कि रोहित भाई कंपनियों के सबवूफर में, या आप अपनी इंडियन कंपनी की ही बात करें तो चीज़ों में प्राइस का इतना डिफरेंस क्यों आता है। और काफ़ी बार आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि किसी चीज़ का प्राइस मान लो 7,000 रुपये है और आप लोग उसके साथ बार्गेनिंग करते हो, वो चीज़ आपको 4,000 रुपये में भी देने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो रीज़न यही है क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर का बजट इतना है और मुझे इस कस्टमर को नहीं जाने देना, तो वो क्या करते हैं आपको उसी हिसाब से चीज़ें लगा के आप लोगों को दे देते हैं। यहाँ पे फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ये भी समझाया कि ज़्यादा बार्गेनिंग मत किया करो, तो वहाँ पे आप लोगों को चीज़ों का फ़र्क मिल जाता है। अब मैं अगर जो ये कॉन आपको दिखाता हूँ, कॉयल के बारे में बाद में, स्पाइडर के बारे में बाद में समझाऊँगा, ठीक है। अब ये कॉन है, ठीक है, ये कोन है हमारे पास। इस कोन के अंदर हमारे पास 3 से 4 क्वालिटियाँ में मिल जाती हैं। दिखने में ये चीज़ सेम होगी,
आप लोगों को दिखने में सेम लगेगा, बट ये जो कोन की क्वालिटी है उन चीज़ों में बहुत ही फ़र्क आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़र्क तो आपको ये सराउंड है जो हमारी फुली फोम की होती है, ठीक है, फोम सराउंड जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को फ़र्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर ये हमारा जो पेपर यहाँ पे यूज़ होता है कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, यहाँ पे चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। दिखने में आपको सेम लगेगा कि हाँ भाई ये वही सेम चीज़ है और ये ज़्यादा अच्छी है, तो ये जो फ़र्क होगा आप लोगों को साफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये आप लोगों को दिख जाएगा साफ, ठीक है। अब ये जो कोन है, इस कोन को ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर जो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोन है, ये इतनी आसानी से बेंड नहीं होती, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी का फ़र्क सबवूफर के अंदर हर एक चीज़ से मान लो सबवूफर के अंदर वॉइस कोयल होती है, मैग्नेट होती है, स्पाइडर होती है, कोन होती है, काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के एक सबवूफर को बनाया जाता है। तो जैसे जैसे चीज़ों की क्वालिटी आप कम करते जाओगे तो उसी हिसाब से हमारा सबवूफर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो कोन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोन के अंदर भी हमें काफ़ी सारी क्वालिटी देखने को मिल जाती हैं, बट दिखने में ये सेम होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के स्पाइडर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक ये स्पाइडर है, एक ये स्पाइडर है, ठीक है, और एक ये वाले आते हैं। बट सबसे बेस्ट की अगर जो मैं बात करूं तो हमें ये स्पाइडर देखने को मिलते हैं, ये वाले आप लोग देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब स्पाइडर में क्या चीज़ अच्छी होती है, अब देखने को तो ये भी चीज़ देखने को मिल जाएगी कि हाँ सेम चीज़ आपको सस्ती में भी मिल जाएगी, लेकिन अब इसमें होगा क्या, और आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अब होगा क्या, जब वो चीज़ चलेगी तो वो बहुत ही जल्दी आपका लूज़ हो जाता है स्पाइडर, उसके अंदर बहुत जल्दी वो ढीला होने लगता है, जिसकी वजह से आपके सबवूफर की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। हाँ, अब एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस होता है सस्ते और महंगे सबवूफर में, वो हमें कैसे पता लगता है। कभी भी आप सस्ती चीज़ खरीदोगे, सस्ता सबवूफर और महंगा सबवूफर खरीदोगे, तो दोनों में देखो, सस्ते का मतलब, महंगे का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहीं से कोई चीज़ बनवा रहे हो तो वहाँ से आप लोगों को यही जो मेन चीज़ें हैं कि आप लोग ज़्यादा बार्गेनिंग मत करो वहाँ पे जाके, कि आप लोगों को लोकल चीज़ या सस्ती चीज़ आप लोगों को मिल जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ। क्योंकि अब फ़र्क कैसे पता लगेगा आप लोगों को, फ़र्क भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टार्टिंग में वो चलने में बहुत अच्छा होगा, जो हमारा हल्का सबवूफर है जिसके अंदर हल्का सामान हमने यूज़ किया है, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बात आती है सबवूफर के ऊपर उसकी लाइफ की, वो धीरे 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 करके अपनी परफॉर्मेंस खो देता है। मतलब जो स्टार्टिंग में आप फील कर रहे थे वो आपको बाद में फील नहीं होगा, कुछ टाइम बाद। कई लोगों का 3 महीने में भी हो जाता है, कई लोगों का साल तक नहीं, वो चलाने के ऊपर होता है कौन कितना यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब अगर जो हम ये स्पाइडर की बात भी हमारी हो गई, अब हम कॉयल की बात करते हैं, तो ये जैसे हमारे पास कॉयल है, एक कॉयल और थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेकंड, ये हमारे पास, मेरे पास इस टाइम पे काफ़ी सारी टाइप की कॉयल ये पड़ी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हो, एक ये कॉयल है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा जूम में ना दिखाई दे, एक बार, हाँ ये एक बार आप लोगों को दिख गया है। तो ये 3 इंच की कॉयल है हमारे पास, ये हमारी 2 इंच की कॉयल है, और ये जो हमारे पास पड़ी हुई है ये 2.5 इंच की वॉइस कॉयल है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या होता है चीज़ कॉयल के अंदर, देखो कॉयल के अंदर इतना ज़्यादा कोई मेज़र डिफरेंस नहीं होता, साइज़ तो लगभग वही साइज़ डलता है जितने साइज़ का उसके हमारे सबवूफर के अंदर पोल लगा हुआ है, उसी हिसाब से हम कॉयल को लगाते हैं। अब कॉयल का क्या होता है,
कोयल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोयल के अंदर छेड़छाड़ की जा सकती है। जो वो छेड़छाड़ कैसे होती है, जो हमारी वायर होती है कोयल की, इसका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पावर इसी ने निकालनी है। अगर जो ये कोयल जो है हमारी ज़्यादा हीट जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्व करती है, अगर जो मान लो हमारी कोयल हीट होती है तो ये बहुत जल्दी जल जाएगी, ठीक है। अगर जो ये कम हीट होती है तो ये ज़्यादा परफॉर्म करती है। काफ़ी सारे लोगों ने नोट किया होगा, मैंने एक घंटा आधा घंटा सबवूफर लगातार चला दिया और मेरा सबवूफर फूक गया। उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, उसकी प्रॉपर पावर नहीं दी गई होती, ठीक है, डिस्टॉर्शन कितना है, वो सब चीज़ें उसके अंदर नोट की जाती हैं। उसके अंदर हम सिर्फ वॉइस कॉइल का ही ज़्यादा कसूर नहीं निकाल सकते, हमारी सेटिंग के ऊपर भी सब कुछ होता है, और हमारा इनक्लोज़र कितनी फ्रिक्वेंसी पे ट्यून है और हम उसके ऊपर कौन सी फ्रिक्वेंसी के सॉन्ग चला रहे हैं, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे मायने रखती हैं।